नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम मार्केट में अवेलेबल अन्य टूथपेस्ट की तुलना ग्लिस्टर टूथपेस्ट के साथ करते हैं। इसके लिए हम लेंगे एक कलर्ड प्लास्टिक शीट और बाजार के अन्य अवेलेबल टूथपेस्ट और एमवे का ग्लिस्टर। हम क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा थोड़ा पेस्ट इस प्लास्टिक शीट पर लगाएंगे और देखेंगे कि इसको इस पर घिसने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैं अभी इस पर थोड़ा थोड़ा पेस्ट शीट पर लगा रहा हूँ। ये एमवे का ग्लिस्टर टूथपेस्ट है, ये भी 100 ग्राम है, ये भी 100 ग्राम है, ये भी 100 ग्राम है। आप देख सकते हैं कि किस टूथपेस्ट में कितना फ़र्क है। अभी हम इसको रब करेंगे और थोड़ा थोड़ा घुमाएंगे। करीब 20 से 30 बार इसको हम प्लास्टिक शीट पर घुमाएंगे। इनके जो फाइन्स जो पार्टिकल हैं मार्केट में अवेलेबल टूथपेस्ट के, थोड़े मोटे और कड़े होते हैं, जिसके कारण हम देखेंगे कि इन जो शीट है इसका कलर छूटने लगता है। एमवे की जो टूथपेस्ट हैं इसके पार्टिकल बहुत फाइन होते हैं और इससे कोई कलर छूटने जैसा कोई सिस्टम नहीं होता है और ये हमारे मसूड़ों को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। आपको पता होगा कि हमारे बॉडी का मीडियम जो है वो एसिडिक होता है, तो हम सभी जानते हैं कि HCl एक एसिड है और मैं इसकी एक एक बूंद इन मार्केट के तीनों पेस्ट में डालूंगा और देखूंगा कि क्या फ़र्क पड़ता है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे मैंने HCl डाला तो एकदम से रिएक्शन किया, इस पे मैंने HCl डाला तो एकदम से रिएक्शन किया, यहाँ पे डालने पे कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो हमारी बॉडी में भी इस टूथपेस्ट से यदि हम यूज़ करते हैं कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं करता है। बाकी आप इनको करते हो तो आपको पता होगा। अभी हम देखते हैं कि इनका इस प्लास्टिक शीट पर क्या इफेक्ट पड़ा है। आप देख सकते हैं कि इस पे प्लास्टिक शीट का कलर यहाँ से छूट चुका है, ये हमारे दांतों को भी कितना नुकसानदायक है। इसका कलर भी यहाँ से छूट चुका है, ये भी एकदम से ग्रीन हो गया है। आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ ऐसा कलर छूटने जैसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। एमवे का टूथपेस्ट के फाइन पार्टिकल होने के कारण हमारे दांतों को और मसूड़ों को इससे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ता है, बल्कि ये हमारे दांतों को सफ़ेद रखता है, एकदम चमकदार रखता है। और इसमें साइलोडेंट होने के कारण चाय कॉफ़ी के दाग बिना कोई ब्लीच के ज़रूरत किए बिना कोई ब्लीच की ज़रूरत बिना ये हमारे दांतों को चमकदार रखता है और मजबूती प्रदान करता है।